आज चहक भी देखने को मिल रही है, क्योंकि चहक जो है वो पक्षियों की चहक है। कहते हैं ना कि जैसे ही बसंत का आगमन होता है तो सबसे पहले अगर कोई चहकना शुरू करता है तो वो पक्षी चहकना शुरू करते हैं और फूल महकना शुरू करते हैं। तो चहक, महक और इसके साथ ही संगीत, इन तीनों को जोड़ दिया जाए यहाँ पर, तो ये दिन और भी खास बन जाता है। शाम की तो आपने बात यहाँ पर की, राधा की भी आपने ये बात की, अब किसकी बात करने वाले हैं बसंत के उत्सव में? राधा श्याम हो गए हैं तो अब जानकी नाथ और बच्चे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। हर इंसान के लिए है कि जानकी नाथ सहाय करें जब, तो कौन बिगाड़ करे नरतेरो। बसंत के उत्सव पर मैं चाहूंगा कि ये गाना हर किसी को डेडिकेट करूं मैं। जानकी नाथ सहाय करे जब, कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय करे जब, कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय, जाकी सहाय करी करुणा निधि, ताके जगत में भाग बढ़े रो। जाकी सहाय करी करुणा निधि, ताके जगत में भाग बढ़े रो। रघुवंशी संतन सुखदाये, रघुवंशी संतन सुखदाये, तुलसीदास चरणन को चेरो। जानकी नाथ सहाय करे जब, कौन बिगाड़ करे तेरो। जानकी नाथ सहाय। बहुत खूबसूरत। राम के लिए आपने गाया, जानकी के लिए आपने गाया, भगवान श्री कृष्ण के लिए आपने गाया, राधा रानी के लिए आपने गाया, इसके साथ ही आपने साजन और सजनी के लिए भी गाया। कोई ऐसा गाना जो प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए भी लिखा गया हो, क्योंकि बसंत का ये उत्सव है और ख़ास तौर पर बसंत के उत्सव में बहुत सारे जो गीत हैं वो ऐसे लिखे गए हैं, क्योंकि अब देखिए आने वाले टाइम में लोग वैलेंटाइन डे जो है वो भी अपने अपने तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, तो युवाओं को भी बसंत का बहुत बेसब्री के साथ इंतजार होता है। कोई ऐसा गाना जो प्रेसी के लिए हो, कुछ भी ऐसा, या फिर सखियों के लिए कोई गाना हो आपके पास? अभी इससे पहले मैंने दो जो गीत प्रस्तुत किए थे उनमें सजनी के साजन आ चुके थे, इसमें सजनी के साजन नहीं आए हैं। तो उस जो फेज होता है, जो फेज होता है उस टाइम पे, उसका एक साथ मतलब इंतजार का भी अपना ही एक मजा होता है। तो इंतजार में भी किसी का साथ होना जरूरी है, तो उसकी जो सखियां हैं वो उसका उस वक्त साथ दे रही हैं, तो वो अपने सखियों से वो बात शेयर कर रही हैं, तो उसके ऊपर अपने साजन के लिए। आ
का करूं सजनी आए न बालम, का करूं सजनी आए न बालम। तड़पत बीते मुरी, तड़पत बीते मुरी, उन बिन रतियाँ आए न बालम, का करूं सजनी आए न बालम। रोवत रोवत कलनाए आए, तड़प तड़प मोहे बिरहा सताए, याद आवत याद आवत उनकी बतियां आए न बालम, का करूं सजनी आए न बालम। तड़पत बीते मोरी, तड़पत बीते मोरी, उन बिन रतियां आए न बालम, का करूं सजनी आए न बालम। बहुत 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 बढ़िया। और बालम आए नहीं, लेकिन कई बार बालम को गीतों के माध्यम से पुकारा भी जाता है, और एक बड़ा ही प्यारा सा गीत है, केसरिया बालम पधारो हमारे देश, अगर वो आप और गा दें तो। रे मा पे मा प मरे गसा केसरिया केसरिया बालम आवो नीरे केसरिया आवो नी पधारो मारे देश रे, पधारो मारे देश केसरिया बालम आवो नी पधारो मारे देश रे, पधारो मारे देश। केसरिया बालम पधारो मारे देश, पधारो मारे देश, पधारो मारे देश रे, पधारो मारे देश केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। बहुत 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 खूब। और वाकई आज तो केसरिया बालम जो है वो भी पधार रहे हैं, और केसरिया तो चारों तरफ नजर ही आ रहा है, क्योंकि आज गणतंत्र का दिन है। ऐसे में हर जगह जो तिरंगे लगे हुए हैं उसमें तीन ही रंग होते हैं, सबसे ऊपर केसरिया, फिर सफेद और फिर हरा। आज जैसे कि बसंत की शुरुआत हो गई है, माँ सरस्वती को समर्पित होता है ये दिन, और ज्ञान की देवी हैं वो, वीणा उनके हाथ में होती है, और ये जो सुर साधना है उनके आशीर्वाद से ही सबको मिलती है।
तो मैं माँ सरस्वती से आप तमाम लोग जो हमारे कार्यक्रम में पहुँचे हैं उनके लिए भी आज आराधना करूँगी उनकी और कहूँगी कि इस तरीके से ही आप हमेशा आगे बढ़ते रहें और जिस तरीके से बुंदेलखंड का नाम बढ़ा रहे हैं वो ऐसे ही पूरे देश में आप बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए और आप सभी को भी बसंत की बहुत बहुत बधाई। आप सभी के लिए ये बसंत शुभ और मंगलमय हो। इसी कामना के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।